ग्रुप डिस्कशन, हम लोगों का पहला राउंड हुआ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ, उन्होंने जैसे मैं 100 बच्चे हैं, तो उन्होंने 20-20 बच्चों का 5 ग्रुप बांट दिया, और फिर उन्हें अलग अलग रूम में अलग अलग जगह में बैठा के उनके बीच में एक जेएसडब्ल्यू का एम्प्लॉय या फिर जेएसडब्ल्यू के एचआर वहां पे बीच में बैठ गए। उन्होंने फिर हम लोगों पे एक क्रम से, उन्होंने पहले ही बता दिया कि लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहे हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, फिर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। यही है कि जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन इसमें आप पहले से कोई चीज पढ़ के नहीं जा सकते, इसमें वो ऑन द स्पॉट तुरंत कुछ भी जो प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम का जैसा माहौल चल रहा है उस टाइम का तुरंत वो वहां पे देते हैं। जैसे मैं इस टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब चल रहे हैं, तो इन्हीं सब के बारे में वो तुरंत एक टॉपिक देंगे जिसपे बच्चों को डिस्कस करना रहेगा। 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे, 4 से 5 मिनट में सभी बच्चों का कुछ ना कुछ बोलना है। और यह है, जब हम लोगों को वहां पे मिला था सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का क्या यूज है आज के जो युग चल रहा है, क्या सोशल मीडिया यूज करना छोटे बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा कि नहीं, ये इससे कोई नुकसान तो नहीं है, इन्हीं सब पे बोलना था। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि आपको वर्ड छीनना पड़ेगा, लोगों को छीनना पड़ेगा, आपको कोई बोलने का मौका नहीं देगा। आप बोल लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप नहीं बोल पाएंगे तो आप छट जाएंगे, ये होता है। उसके बाद फिर हम लोगों में से लगभग, 1 मिनट, मैं ये थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि जैसे एक सीरियल आता है बिग बॉस, जी सर, तो वहां भी कुछ ऐसा ही होता है शायद कि अगर आप बोलेंगे नहीं, आप दिखेंगे नहीं, तो आप एक तरह से पीछे होते जाएंगे। सेम उसी तरह से हाँ क्या लगभग है ना कि आपको बीच में यस घुसकर सर, यस अपनी बात बोलनी पड़ेगी। हाँ, आपको बीच में घुस के बात बोलनी पड़ेगी, कोई आपको बोलने का मौका नहीं देगा, तुम बोलो तुम बोलो, वो टॉपिक खत्म होगा, अगला इंसान तुरंत शुरू हो जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा, कोई आपको बोलने का मौका नहीं दे। इसीलिए ग्रुप डिक्शन जो होता है बहुत ही अच्छे से और केयरफुली देना रहता है। जैसे मैं, अगर कोई वर्ड, कोई आपके मन में कोई, जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड मेरे मन में कोई चीज आया बोलने के लिए, मैं इसके बाद बोलूंगा, तब तक जो मेरे मन में आया वो अगला इंसान बोल दिया, तो मैं उस चीज को नहीं बोल सकता, तुरंत अपने माइंड को दौड़ाना है और तुरंत दूसरा चीज, सोशल मीडिया से रिलेटेड दूसरा चीज ला के वहां पे पुटअप करना है, क्या आपने तो क्या आप फिर वहां बोला? पे बोलना है। तो सर, हमने जो बोला था कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए अगर हम अपने काम कर रहे हैं, अगर हमने कोई ऑनलाइन क्लासेस ली हुई है, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस 12 से 1, अभी 1 से 2 है, तो अगर हम उस टाइम फ्री नहीं है तो बाद में भी आकर हम सोशल मीडिया का यूज करके अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये इस हिसाब से हमारे लिए सोशल मीडिया तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही होगा। तो बिल्कुल हमने इतना ही बोला था, तब तक अगले बोलने लगे, फिर हमें दोबारा बोलने का मौका नहीं मिला, तो यही है। आप ज्यादा बोलें कम बोलें ये मैटर नहीं करता, आप सही बोलिए लेकिन बोलिए, ये मैटर करता है। जी सर, और इसमें लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होता। तो इस हिसाब से उसमें मार्किंग दे दी होगी सबको कि इस बच्चे को इतने नंबर, इस बच्चे को इतने हाँ नंबर। हाँ उस हिसाब से मार्किंग दे दिया गया था। उसके बाद फिर जितने लगभग हमारे हिसाब से 100 में से 20 बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में से छाट दिया था सर, एक एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद फिर आधे ग्रुप डिस्कशन के रिजल्ट आने के बाद, आधे घंटे बाद फिर हम लोगों का टेक्निकल इंटरव्यू और फिर एचआर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ।